महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद नीलेश राणे जी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के मुंबई सचिव विनय यादव ने कूपर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे व मल्लार मारवे रोड वाले के बच्चों को भरपूर फल व मिठाई बांटी गई। इस उपलक्ष में मुंबई सचिव विनय यादव ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। साथ ही हाल ही में पुलवामा में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही 3 दिन पहले जो घटना घटी थी मुंबई के ब्रिज गिरने पे, जो उनमें जो मृत्यु हुई उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको ले चलते हैं विनय यादव से, क्या कुछ कहना है इनका। माननीय महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के सरचिटनीस माजी खासदार नीलेश राणे जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग ये बच्चे लोग को, अनाथ बच्चे लोग को स्नैक्स और फ्रूट्स वाटप का प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है हमने। इधर पुलवामा हमले के बाद और जो 3 दिन पहला वीटी में जो ब्रिज गिरा है उनको श्रद्धांजलि देना है, तो इसीलिए नीलेश जी ने कहा है कि इस बार हमें जन्मदिन नहीं बनाना है। तो हर एक एरिया में, सब पूरे महाराष्ट्र में हॉस्पिटल हो या अनाथ आश्रम हो, सब अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने जगह पे ये कार्यक्रम लिया है। तो ये और भी आपने रखा है कि सिर्फ मलान मारवे पे ही नहीं, इसके बाद हम जाएंगे कूपर हॉस्पिटल, उधर फ्रूट वाटअप करेंगे। वहाँ क्या प्रोग्राम है? फ्रूट्स देना है पेशेंट लोग को, सबको।